क्या लोकी और विक्टर टाइमली की डेथ हो चुकी है? ही रिमेंस ने रवना रेंसलर की मेमोरी को इरेज क्यों किया? और लोकी ने अपने आप को ही प्रून क्यों किया? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। वेलो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे लोकी के एपिसोड 4 का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के मार्वल इंट्रो में हमें कई डिफरेंट कैरेक्टर्स का आवाज गूंजते हुए सुनाई देता है और उनमें से मुझे एक काफी सिमिलर लगा, वांडा विजन के इस सीन में जहां एगाथा सारे विचेस को मारती है। इसके बाद एपिसोड 3 जहाँ एंड हुआ था वही सीन आगे कंटिन्यू होता है और पिछले एपिसोड में मिस मिनट ने रवोना के किसी सीक्रेट को मेंशन किया था और उसी को डिस्क्लोज करने के लिए वो रूम को स्कैन करती है और ये काफी सिमिलर था अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में जहाँ ग्वेन स्टेसी भी ऐसे ही 3D स्कैनिंग का यूज करती है। वेल, रेंसलर को आगे पता चलता है कि वह ही रिमेंस के लिए नहीं बल्कि ही रिमेंस के साथ काम कर रही थी और इस सीन में ही रिमेंस और रेंसलर के बीच का कन्वर्सेशन हमें एपिसोड 1 में सुनने को मिला था जब लोकी टाइम स्किपिंग कर रहा था। आगे इस सीन में रेंसलर के जाने के बाद ही रिमेंस प्रोटोकॉल 42 शुरू करने को बोलता है। अब देखो, 42 नंबर मार्वल यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट है जहाँ ये माइल्स मॉरेलिस के यूनिवर्स से लेकर मिस्टर फैंटास्टिक तक को कनेक्ट करता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल 42 का मतलब था कि जितने भी टीवीए एजेंट हैं इंक्लूडिंग रेंसलर, सबकी मेमोरी वाइप आउट कर दी जाएगी और ऐसा ही होता है। आगे के सीन में जब विक्टर टाइमली टीवीए पहुंचता है तो उसके पीछे कैंग के 3 फेसेस देखने को मिलता है, पर इसमें इंटरेस्टिंग है विक्टर टाइमली के पीछे बना ये फेस और ये फेस स्ट्रक्चर मुझे काफी सिमिलर लगा गैलेक्टस से। अब देखो, सीजन 1 के टाइम पर भी कैरेक्टर्स काफी ट्रेंडिंग में था और सभी ये भी होप कर रहे थे कि कैरेक्टर्स का अपीयरेंस सीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पर क्या पता अब हो जाए। आगे जब विक्टर टाइमली ओबी से मिलता है तब हमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का एक परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलता है जहां ओबी कहता है कि उसने जितनी भी चीजें सीखी हैं वो 19th सेंचुरी के एक इन्वेंटर विक्टर टाइमली से सीखी है और वहीं दूसरी तरफ विक्टर टाइमली कहता है कि उसने जितनी भी चीजें इन्वेंट करी है उसे उसने ओबी के द्वारा लिखी टीवी हैंडबुक से पढ़कर की है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है जहां उन दोनों की एक्ट उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। वहीं आगे ओबी एक्सप्लेन करता है कि टेम्पोरल लूप को एक्सप्लोजन से बचाने के लिए किसी को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर से कनेक्ट करना होगा जिससे रिंग्स के साइज को और ज्यादा ब्रॉड किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस उसमें से होकर गुजर सके जिससे टेम्पोरल लूप का ओवरलोड खत्म हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये था कि पैसेज में टेम्पोरल रेडिएशन की मात्रा पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद रेंसलर और मिस मिनट टीवीए में आती है जहां वह जैनल डॉक्स और उसके साथी को अपने साथ मिलाना चाहती थी, पर जैनल डॉक्स का दिमाग जाग उठता है और वह ऐसा करने से मना कर देती है और एट द एंड रेंसलर उसे और उसकी टीम को मार देती है। अब देखो, जैनल डॉक्स कोई दूध की धुली औरत नहीं थी, इसने ब्रांच टाइमलाइंस को मिटाते हुए थानोस से भी ज्यादा लोगों की हत्या की थी, तो हां, मेरे मन में इसके प्रति एक पैसे की भी सिंपैथी नहीं है। और फिर आगे मिस मिनट पूरे टीवीए के सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेती है जिससे सारे टेम्पोरल पैड्स काम करना बंद कर देता है और आगे ओबी एक्सप्लेन करता है कि मिस मिनट को सिस्टम से निकालने के लिए उसे सिस्टम रिबूट करना होगा और सिस्टम मैलफंक्शन के कारण सिल्वी लिफ्ट में फंस जाती है और इस लिफ्ट सीन के बाद का सीक्वेंस में प्रेजेंट के लोकी का पास्ट के लोकी से सामना होता है और ये सीन हमें एपिसोड 1 में भी देखने को मिला था। और प्रेजेंट का लोकी ये समझ जाता है कि अगर उसने पास्ट के लोकी को प्रून नहीं किया तो वो अपने आप को भी टाइम स्किपिंग से बचा नहीं पाएगा और वो पास्ट के लोकी को प्रून कर देता है। फिर विक्टर टाइमली कंटेनमेंट डोर को ओवरराइड करके ओपन करता है और डिसाइड करता है कि वही थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर से कनेक्ट करेगा और वह जैसे ही कंटेनमेंट डोर के बाहर जाता है उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है क्योंकि टेम्पोरल रेडिएशन का लेवल काफी हाई हो चुका था और इसके बाद टेम्पोरल लूप में एक्सप्लोजन होता है और पूरा ब्लैकआउट के साथ एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गुरु लोग, अब क्वेश्चन यह है कि क्या विक्टर टाइमली की डेथ हो चुकी है? तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है हाँ, और इसे अंडन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी मौत टेम्पोरल रेडिएशन से एक्सपोज होने के कारण हुई है और ओबी ने क्लियरली मेंशन किया था कि रेडिएशन से एक्सपोजर के बाद डेथ निश्चित है। एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लोकी, मोबियस और बाकी लोगों का क्या होगा? तो मे बी ये हो सकता है कि एक्सप्लोजन के बाद टाइमलाइन रिसेट हो गई हो या वे लोग किसी अदर टाइमलाइन में जा चुके हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि टीवीए ने उन लोगों को जहां से किडनैप किया था वापस वैसे भी वहीं चले गए हो। और अब इन सब का आंसर हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। वेल, अगर मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।